हाय फ्रेंड, कुक सम टेस्टी में आपका स्वागत है। आज हम पत्ता गोभी के पकोड़े बनाने जा रहे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये लिया हमने आलू, ये ली हमने पत्ता गोभी, ये लिया हमने कटा हुआ प्याज, ये लिए हमने कटी हुई हरी मिर्च, लिया हमने आमचूर पाउडर, लिया हमने नमक स्वाद अनुसार, ये लिए हमने थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी हमने अजवाइन, ये लिया हमने कद्दूकस किया हुआ लहसुन, ये लिया हमने अदरक का पेस्ट और ये लिया हमने बेसन। अब हम इसको मिक्स करते हैं। ये हमने हल्दी, इससे कलर अच्छा आएगा। और फ्रेंड्स, जब बरसात होती तो कुछ तीखा, कुछ क्रंची खाने का दिल करता, तो आज हमने सोचा कि पत्ता गोभी के पकौड़े बना लिए जाएं। फ्रेंड, हमने कढ़ाई में तेल गर्म होने रख दिया है। अब हम इसमें 2 चम्मच तेल डालते हैं ताकि हमारे पकौड़े क्रंची बने। तेल डालने से और भी क्रंची होती है, ज्यादा नहीं, 1-2 चम्मच। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। एकदम शिमला लहसुन बनाएंगे। तो फ्रेंड, अब हम इन्हें पलटते हैं। तो फ्रेंड, पकौड़े हमारे सिक गए हैं। इनको निकालते हैं। ऐसे ही हम और भी लगा देंगे। अभी और डालते हैं। तो फ्रेंड, देखिए हमारे पकौड़े सिक गए हैं। और अब हम इन्हें निकालते हैं। अब हम इन्हें निकाल देते हैं। तो फ्रेंड, हमारे पकौड़े सिक चुके हैं।
फ्रेंड हमारे पत्ता गोभी के पकौड़े तैयार है। अगर फ्रेंड हमारी डिश आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।